दिव्य विज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली का दिन यानी फागुन मास की पूर्णिमा के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं वो साधारण उपाय क्या है। त्योहार का समय हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है और यदि इसी दौरान कुछ धार्मिक कार्य भी किए जाएं तो उसका अधिक फल मिलता है। होली की रात तो वैसे भी पूजा और ज्योतिष के उपाय करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपको आने वाले पूरे वर्ष में सुख एवं समृद्धि प्राप्त होगी। होली के दौरान कुछ मंत्रों का जप करने से आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। होली की रात देवी महालक्ष्मी सहित इष्ट देवी देवताओं की विधिवत पूजा करनी चाहिए। होली के दिन ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप 108 बार या 1008 बार किया जा सकता है। मंत्र जाप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करना उचित रहता है। महालक्ष्मी को कमल के फूल, चंदन, केसर, पीला वस्त्र, इत्र व मिठाई अर्पित करें। इसके बाद कुश के आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से मंत्र का जाप करें। होली के बाद हर शुक्रवार महालक्ष्मी का विशेष पूजन और इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह पर जहां से चांद नजर आए वहां खड़े हो जाएं। फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी का दीपक के साथ धूप एवं अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद सफेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें। चंद्रमा से समृद्धि प्रदान करने का निवेदन करें। बाद में प्रसाद और मखानों को बच्चों में बांट दें। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। होली की रात उत्तर दिशा में बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं। अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें, उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक लगाएं और ब्रह्म मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु मंत्र का जाप करें। जाप पूरा होने पर यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर स्थापित करें और सिंदूर का तिलक करें। अब मूंगे की माला से ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का जाप करें। 21 माला जाप होने पर इस पोटली को दुकान में या अपने संस्थान में ऐसे स्थान पर टांग दे जहाँ ग्राहकों की नजर इस पर पड़ती रहे। इससे व्यापार में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। दिव्य विज्ञान केंद्र की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।